हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल बाज़ार के जैसी बिरयानी। तो चलिए देखिए, मेरी सामग्री पहले से सब रखी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा तेज़पत्ता, ये सिया जीरा, ये जीरा, ये छोटी इलायची, ये लौंग, ये फूल, ये इलायची और ये जीरा, ये दालचीनी। और ये रहा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, धनिया, टमाटर और ये हरा मिर्चा। ये रहा हमारा चावल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे गर्म पानी में उबाल लिया था, भिगो लिया था। और ये रहा मेरा भगोना, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसको गैस ऑन करके हम रख देंगे। जब पानी खौल जाएगा, अच्छा से बॉईल हो जाएगा, तब इसमें हम जो मेरा चावल है, राइस, जिसको मैंने पहले से भिगो के रखा हूँ, उसको मैं डाल दूँगी। फिलहाल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मेरा पानी अच्छे से खौल गया है, अब इसमें हम चावल डालेंगे, जिसको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ हाथ से। ये रहा, मैंने इसको अच्छे से निकाल दिया है। ये देखिए अच्छे से ये खौलने लगा है। ये देखिए, अभी मैं इसमें मटर भी डालूंगी। हरी मटर डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है और लोग इंटरेस्ट रख के खाते भी हैं अच्छे से। ये रहा हमारा मटन, ये देखिए, ये रहा मेरा मटन। इसको हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने पहले ही पीस लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। ये रहा मेरा प्याज, जिसको मैंने पहले से काट लिया था अच्छे से। ये रहा मेरा प्याज, ये रहा हमारा तेल, अंदाज से डाला हुआ है, आप एक कलछुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा मेरा गोल मिर्च, ये हमारा छोटी इलायची, ये लौंग, ये हमारा जीरा, ये है दालचीनी, ये है तेज पत्ता और ये रहा हमारा सिया जीरा, ये नॉर्मल जीरा। ये रहा हमारा नमक, ये रहा हमारा लगभग पुलाव बन के अच्छे से तैयार। अब इसमें जो हमारा मटन बन गया है ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए, मैंने कुकर को बंद किया। अब मैंने, ये देखिए मेरा मीट बन के तैयार। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चा 1 चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा सा या आधा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे पहले से कटा हुआ टमाटर, हरा मिर्चा और हमारा ये धनिया, जिसको मैंने पहले से काट लिया था। अब इसको हम फिर से धीमी आंच पे रख देंगे। मैंने गैस ऑन किया, अब इसको उठा के अच्छे से हम रख देंगे। 1 सीटी के बाद ही अच्छे से हमारा मटन जो है वो गल जाएगा। ये देखिए हमारा मटन अच्छे से पक गया है। अब इसको हमने जो पहले से पुलाव बना लिया था, उसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मेरा लगभग अच्छे से मटन तैयार हो गया है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए अब इसको हम चावल में मिक्स करेंगे। पहले एक लेयर चावल की रखेंगे, फिर मटन की, फिर चावल की, फिर मटन की, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम फोड़ लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिला दी। अब इसमें एक लेयर हम मटन की रखेंगे, फिर एक लेयर चावल की रखेंगे, फिर बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रहा हमारा, ये देखिए आप देख ही रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल गरम गरम चावल भी है, बिल्कुल गरम गरम हमारे मटन भी हैं। अब ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से और डालेंगे चावल। ये देखिए फिर हम इस पर, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कितने अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, धीमी आंच पे रख लेंगे। अच्छे से निकालते ये देखिए धीमी आंच पे इसको हम रख देंगे। इसमें हम फ्राई पैन रखेंगे। ये रहा हमारा देसी घी। अगर आपके घर में देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हमारा केवड़ा जल, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए अच्छे से हमारा प्याज पक रहा है, जब अच्छा और हो जाएगा तो इसको चावल के ऊपर हम डाल देंगे। जीरा हमारा एक चुटकी जीरा, ये हमारा सिया जीरा, ये हमारा प्याज अच्छे से भून गए और इसको हम अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो मैंने धनिया पहले से काट रखा था ये ऊपर से छिड़क देंगे। ये हमारी बिल्कुल होटल जैसी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। ये हमारा केवड़ा जल, इसको डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल बाजार जैसी। और ये रही हमारी गर्मा गर्म मटन की बिरयानी बनकर तैयार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।